संकल्प हिंदी पाठ माला आप लोग सभी निकालिए। चैप्टर टू रिवीजन होगा, क्योंकि आप लोगों को जितना चैप्टर दिया गया है उसी को बार बार हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से याद करने के लिए। मैं आज जरा बता दे रही हूँ आप लोगों को अच्छा से कौन सा अध्याय को पढ़ना है। देखिए इसका अध्याय होगा नवीन संकल्प पाठमाला का चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर टेन, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आप लोगों का थर्ड टर्म का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को बार बार अच्छा से पढ़ना है और आप लोगों को घर में भी इसको हर अध्याय को अच्छा से याद भी करना है। चुलबुली बूंद आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय दो, चुलबुली बूंद। एक तालाब में चुलबुली बूंद अपने माता पिता के साथ रहती थी। आप लोग देख रहे होंगे माता पिता के साथ है, उसके दूसरे भाई बहन भी साथ साथ हिल मिला कर वही रहते थे। बहुत खुशी सभी एक साथ रहते थे। एक दिन सूरज तेज चमका, ठीक है, एक दो तीन चार, बहुत सारी बूंदे भाप बनकर आसमान की ओर उड़ चली। उड़ते ऊपर जाते वे सब हंसती रही, खिलखिलाती रही, सब एक दूसरे से मिल गई। भाप बन के तो सभी ऊपर चल गए और जाने का समय वो लोग बहुत हंसती रहती, खिलखिलाती रहती और एक दूसरे से गुल मिल गए अब वे अलग अलग नहीं थी। काले काले बादलों के साथ बहकर वे सब इधर से उधर घूमती रही, दौड़ती रही, काले बादल बन गए और एक साथ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमती और दौड़ती रही। नीचे धरती पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। छोटे बड़े पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे, तो नीचे में क्या हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा बह रहा था और उसके साथ छोटे छोटे जो पौधा है, पेड़ पौधा, वो हवा में झूम रहा था। मेघा बरसो कहकर नन्हे नन्हे बच्चे शोर मचा रहे थे। खुश होकर पानी से भरी दो तीन चार बूंदे बच्चों के पास जा टपकी। इस दौरान क्या हुआ ना, खुश होके दो तीन चार बूंद बच्चे का वहाँ टपका, ठीक है। उसके बाद पाँच छ सात आठ, अब तो बूंदे बरसने लगी, टिप 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 टिप, खूब बूंदे बरसी। चुलबुली बूंद उसी तालाब में आ गिरी। देख रहे हो चुलबुली बूंद को अपने मम्मी पापा के पास। देखो वह बोली, मैं कहीं भी जाऊंगी माँ पापा, पर लौट कर आपके पास ही आऊंगी। जैसा आप लोग बाहर खेलने जाते हो पर लौट के कहाँ आते हो, मम्मी पापा के पास। बरसात के बाद खूब निकल आई धूप, सॉरी बरसात के बाद धूप निकल आई। सतरंगी, देख रहे होंगे सात रंग का जो इंद्रधनुष, सतरंगी इंद्रधनुष निकल आया था सात सात रंगों का, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, संतरी और गहरा लाल लाल। ये देखिए लास्ट में, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है। जब पानी बरसात के धूप बाद धूप निकला तो ये सात रंग खिल उठा, ठीक है, इसी को इंद्रधनुष सतरंगी बोला जा रहा है।
बच्चों इसको तो अच्छे से आप लोगों को पढ़ना ही है। रीड आप लोग अच्छे से पहले इसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ, मेघा, बादल, सतरंगी, सात रंगों वाला, अच्छा से शब्दार्थ को भी पढ़िएगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक, आप लोग घर में इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए, ठीक है बच्चों।